दोस्तों, नए साल पर भारत सरकार का शानदार तोहफा, मोबाइल पर बिना इंटरनेट देख सकेंगे अब आप सभी वीडियोज। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, बिना इंटरनेट किसी भी डाटा को खर्च किए बिना अब आप देख सकेंगे मोबाइल में टीवी। दोस्तों याद होगा आप सभी को, हमने इससे पहले एक महीना पहले लगातार हमने एक वीडियोस दिखाई थी जिसमें हमने आप लोगों को D2M टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि भारत सरकार एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जो कि साथ मिलकर कानपुर IIT की जो टेक्निकल टीम है वो काम कर रही है। तो दोस्तों अब यह टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुकी है, अब इस टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे आप उठाएंगे ये तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही इस वीडियो को अगर आप करते हैं लाइक तो दोस्तों हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और एक प्यारा सा कमेंट भी। सब्सक्राइब करें साहिल फ्री डिश यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को आगे बतलाते हैं भारत सरकार का शानदार तोहफा। D2M ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी को लेकर सरकार की ओर से कहा गया है कि इसे अगले साल सभी के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा, यानी इसी साल सभी के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा इस साल के अंत तक। D2M टेक्नोलॉजी की मदद से मोबाइल पर बिना इंटरनेट वीडियोज और अन्य मल्टीमीडिया कंटेंट देखा जा सकेगा। यदि आपको भी लंबे समय से मोबाइल पर बिना इंटरनेट वीडियो देखने का सपना है तो आपका यह सपना बहुत ही जल्द भारत सरकार पूरा करने जा रही है। डायरेक्ट टू मोबाइल को लेकर एक बड़ी खबर आई है दोस्तों, चलिए उस बड़ी खबर को आप लोगों को बतलाते चलिए। D2M ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी को लेकर सरकार की ओर से कहा गया है इसे अगले साल सभी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और इस साल 29 शहरों में इसका ट्रायल शुरू है। हम आगे बताएंगे आपको दोस्तों, D2M टेक्नोलॉजी की मदद से मोबाइल पर बिना इंटरनेट वीडियोज और अन्य मल्टीमीडिया कंटेंट आप देख सकेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक D2M का ट्रायल कई शहरों में चल रहा है, लगभग 29 से प्लस जो शहर है, सिटीज है, वहां पर इनका ट्रायल चल रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग DST के सचिव अभय करंदीकर ने अपने एक बयान में कहा है कि हमें D2M को पूरी तरीके से लॉन्च करने से पहले तमाम शहरों में इसका ट्रायल करना होगा। क्या है D2M, क्या है इसके फायदे, ये हम आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। D2M एक डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसके लिए इंटरनेट की जरूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ने वाली है। कोई भी डाटा नहीं, कोई भी इंटरनेट नहीं, मोबाइल ऑफलाइन रहेगा तो भी यह टेक्नोलॉजी काम करने वाली है। जैसे कि आपका FM रेडियो या रेडियो बोले वैसे ही काम करेगा। D2M की मदद से आप अपने स्मार्टफोन में बिना इंटरनेट के वीडियो देख सकते हैं या काफी हद तक डायरेक्ट टू होम DTH DD फ्री डिश की तरह है। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि आप उन इलाकों के जो यूजर्स भी OTT एप्स पर वीडियोस देख सकेंगे जहां इंटरनेट की पहुंच बिल्कुल नहीं है। D2M की पहुंच देश के कोने कोने में होगी। D2M की रिलीज होने के बाद हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत कम से कम वीडियोस देखने के लिए तो खत्म ही हो जाएगी। लेकिन इसके साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि इस वक्त जो फोन बाजार में मौजूद है उनमें यह सपोर्ट नहीं करेगा। लग गया धक्का आपको, लेकिन परेशान ना हो, आगे हम आपको बताएंगे। D2M की लॉन्चिंग के बाद D2M सपोर्ट वाले नए फोन भी लॉन्च होंगे। D2M सपोर्ट के लिए सभी मोबाइल ब्रांड्स को अपने फोन में एक D2M एंटीना देना होगा जो कि DTH के सेटअप बॉक्स की तरह काम करेगा। अब आओ भाई, सुन लो बात मेरी, अगर आपके पास पुराना फोन है, अरे छोड़ दो, टेंशन मत लो, आपके पास Redmi 4 है या दोस्तों आपके पास आज से 10 साल पुराना वाला कोई स्मार्टफोन आपने लिया है उसमें भी चलेगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों वो चीज तो हमारे कुछ एक दोस्त हैं जो कि कई एक शहरों में हैदराबाद में है, कई एक शहरों में है जो कि इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही बखूबी, हमारे पास वीडियोज भी भेजा है, बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पुराने से भी पुराने फोन में। तो दोस्तों टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, भाई है ना साहिल फ्रीडिस वाला भाई है, वो आपको बताएगा आने वाली वीडियोज में। बाकी दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ इसी वीडियो में बीच बीच में मैंने जो है इसका प्रूफ भी दिखाया है, तो उस प्रूफ को भी प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। हम मिलेंगे आप लोगों से किसी और शानदार